ईशान सुरेश को मिल गई माफी, बीसीसीआई की लिस्ट में आ गया नाम, इन टीम इंडिया में भी मिलेगा जीवन दान। जी हाँ, एक तरफ आईपीएल सीजन 17 अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं बीसीसीआई की तरफ से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। यह खुशखबरी ऐसी है कि जिसके बाद अब इस बात की भी उम्मीद दिखती हुई नजर आ रही है कि जल्द ही टीम इंडिया में रह चुकी ये दो बड़े क्रिकेटर्स, ये दो बड़े स्टार्स दोबारा से टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने वाकई में इन दोनों को ही क्रिकेटर्स को एक और मौका देने का फैसला कर लिया है और एक खास लिस्ट में इन दोनों ही सितारों का नाम आ चुका है। तो क्या है बीसीसीआई का ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए लिया गया फैसला, तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज कर आईपीएल को तवज्जो देने के चलते बीसीसीआई के अनुशासनात्मक कार्यवाही का शिकार हुए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए जल्द हालात और दिन बदलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को एक और मौका देने का फैसला किया है। दरअसल बीसीसीआई ने अपने खास तौर से बनाए गए एनसीए हाई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोग्राम की लिस्ट में इन दोनों ही सितारों का नाम शामिल किया है। इस प्रोग्राम के लिए देश भर के कुल 30 क्रिकेटरों की लिस्ट बनाई गई है। इन क्रिकेटर्स पर अगले एक साल तक बीसीसीआई और उसकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी की निगाहें रहेंगी। साथ ही साथ इन क्रिकेटर्स के घरेलू क्रिकेट में दिखाए गए प्रदर्शन पर भी सेलेक्टर्स खास तौर से नजर रखेंगे और तलब है कि आईपीएल के सीजन 17 में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों ने ही कई मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रेयस अय्यर ने तो कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में प्लेऑफ में भी पहुंचाया, जबकि ईशान किशन भले ही मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ तक नहीं पहुंचा पाए हों, लेकिन आईपीएल के कुछ मैचों में की अपनी शानदार बल्लेबाजी और अच्छी विकेट कीपिंग से उन्होंने भी सभी का दिल जीत लिया है। यहाँ आपको बता दें कि सिर्फ 2 महीने पहले चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के कहने पर ईशान और श्रेयस दोनों ही क्रिकेटर्स को बीसीसीआई की नाराजगी भुगतनी पड़ी थी। इसके बाद इन दोनों को ही बोर्ड के सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब बीसीसीआई के फैसले से लग रहा है कि क्रिकेटर्स के ढीले पड़े रवैये के बाद अब बोर्ड ने भी अपनी नाराजगी को भुलाने का फैसला कर लिया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस मामले में एक बयान भी जारी किया है। इस अधिकारी के मुताबिक बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी को श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से अब कोई शिकायत नहीं है। यदि ये दोनों घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं तो उनकी भारतीय टीम में भी वापसी होगी और उन्हें फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी यह बात कही थी कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों ही टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं और बीसीसीआई की किसी भी खास क्रिकेटर से कोई भी नाराजगी नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के अलावा एनसीए के हाई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोग्राम के लिए चुने गए 30 क्रिकेटर्स की लिस्ट में टीम इंडिया से बाहर चल रहे आईपीएल के अलावा घरेलू क्रिकेट में चमके कुछ और नामों को भी जगह दी गई है। इस लिस्ट में अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्टार रहे मुसीर खान, लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज और नई सनसनी मयंक यादव, वहीं इमरान मलिक समेत गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल सीजन 17 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले साई सुदर्शन को भी मौका दिया गया है। तो बीसीसीआई के फैसले से तो लगता है कि अब बीसीसीआई ने ईशान और श्रेयस इन दोनों को ही एक और लाइफ लाइन दे दी है और अगर यह दोनों ही क्रिकेटर्स अपने बदले हुए तेवरों के साथ अब घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी जल्द टीम इंडिया में भी वापसी होगी और हो सकता है कि उससे पहले ही उन्हें बोर्ड अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दोबारा दे। बीसीसीआई के इस फैसले पर क्या है आपकी राय? क्या आपको लगता है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जल्द दोबारा टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।